हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम एस एडिट। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। गाइस, तो तुम्हारा भाई फिर से लेके गाइस एक और न्यू राजस्थानी स्टेटस एडिटिंग है जो बहुत ही शानदार होने वाला है। गाइस, सबसे पहले गाइस आपको स्टेटस दिखा देता हूं। गाइस, उससे पहले गाइस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस किस चैनल का प्रमोशन होने वाला है वो जल्दी से चल के देख लेते हैं। गाइस, तो इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। गाइस, तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका है। गाइस, इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। गाइस, तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करना, कल ना आपका नंबर भी आएगा। गाइस, तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। गाइस, ठीक है। गाइस, चलो गाइस अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए गाइस, रंजित गुर्जर। तो हे गाइस, स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना। गाइस, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। गाइस, और गाइस अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो इसके लिए आपको ये चार स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी प्रमोशन हो जाएगा। गाइस, ठीक है। गाइस, तो गाइस ये चार स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूं। गाइस, तो पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, और तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना? जो गाइस ये चारों स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गाइस, जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता है गाइस नंबर कैसे आता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कमेंट भी आ रहा था भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। गाइस, तो गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ, नंबर सभी का आएगा, लेकिन धीरे धीरे नंबर आएगा। गाइस, एक साथ तो मैं नंबर ले नहीं सकता, एक जने का नंबर आता है हर वीडियो के अंदर। ठीक है गाइस, और जो मैंने चार स्टेप बताए गाइस वो फॉलो करना होगा, नंबर आसानी से आ जाएगा। गाइस, ठीक है। और बहुत सारे बंदे यार बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट आपको एक ही करना वीडियो के अंदर। ठीक है, ज़्यादा कमेंट करोगे गाइस तो वो स्पैम में चले जाएंगे, फिर आपका नंबर नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे हमारा नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, एक ही कमेंट करना, और जो चार स्टेप बता रखे वो तो आपको 100% फॉलो करना होगा, तभी नंबर आएगा। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस बिना टाइम के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बताता हूँ इस तरह का स्टेटस आपको कैसे बना। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन की। अगर आपको अलाइट मोशन का मोड वर्जन चाहिए गाइस तो वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। गाइस, ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, बिटमार्क प्रोजेक्ट और इफेक्ट प्रोजेक्ट लिंक मिलेगा, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे वेबसाइट पर जाओगे और वेबसाइट से इन दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना। पहला रहेगा बिटमार्क प्रोजेक्ट और दूसरा रहेगा इफेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है गाइस, और अगर आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे गाइस, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप दोनों प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही आसान स्टेप से बताने वाला हूं इस वीडियो को आपको कैसे बनाना। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के अंदर आना, स्टार्टिंग के अंदर आने के बाद देखिएगा यहां पे आपको लिरिक्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे तो हिंदी के अंदर आ रहे हैं, ये लिरिक्स आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अब इनका आपको फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट कैसे चेंज करना, लिरिक्स पर क्लिक करना, डबल एडेक्स पर क्लिक करना, ऊपर जाना और ये वाला फॉन्ट रख लेना। इस वाले फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो इस वाले फॉन्ट को डाउनलोड करके ऐड करके चेंज करोगे गाइस तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जितने भी यहाँ पे लिरिक्स हैं गाइस इनके सभी का आपको फॉन्ट चेंज कर लेना। फॉन्ट चेंज करने के बाद में अभी यहाँ पे आपको बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड लगाना होगा, तो बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आपको करना क्या, कैसे ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद अब आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस बैकग्राउंड के जस्ट नीचे एक लेयर और मिलेगा कैसे ये वाला। ठीक है, जो इमोजी वाला, तो इसको क्या करना, कैसे इसको पहले ऑन कर दो। ऑन करने के बाद देखिए कैसे अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो बैकग्राउंड वाले, जो बैकग्राउंड के नीचे ये वाला लेयर है इसको अब इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और जो आपकी लिरिक्स है लिरिक्स के ऊपर ले जाकर छोड़ देना। अब आपको देखिएगा कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो इमोजी घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक हम आपका कंप्यूटर करके उसके बाद यहाँ पे आ जाना अगले बिटमार्क पे, और यहाँ से अपन को फोटो ऐड कर लेना बिटमार्क के हिसाब से। तो वैसे आपको फोटो कैसे ऐड करना वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना 8:20 पे, यहाँ पे देखिए खाली जगह मिल रही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना, यहाँ से अपन को बैक आना, इफेक्ट कार्ड प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ गया ना आपको, और यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पे देखिएगा पाँच नंबर आप पे आपको यहाँ पे दो लेयर मिल रहे होंगे, इन दोनों लेयर को कॉपी कर लो। तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना फर्स्ट वाले लेयर को और सेकंड वाले लेयर को भी, तो दोनों लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद में प्लस लेयर पे क्लिक करना, कॉपी टू लेयर पे क्लिक कर देना, तो दोनों लेयर यहाँ से कॉपी हो गए। उसके बाद यहाँ से अपन को बैक आ जाए, बैक आने के बाद बिटमार्क कार्ड प्रोजेक्ट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको आ जाना कैसे यहाँ पे, देखिए इस बिटमार्क पे आ जाना, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ यहाँ पे।
8.20 सेकंड पे आना, प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट टू लेयर पे क्लिक कर देना, तो दोनों लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको फोटो एड करना ऊपर वाले लेयर के अंदर। ठीक है, ये वाला लेयर, इसके अंदर फोटो एड करना, इस वाले लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाले आइकन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से अपन को फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो गई उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से हमने गई फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे हम ये वाली फोटो एड करने वाले, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो इसके अंदर आ गई। तो अब आपको देखिएगा जो नीचे एक लेयर और है ये वाला, इसके अंदर फोटो एड करना, तो इस वाले लेयर पे क्लिक करना, फिर से कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से आपको स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर से ये सेम यही फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करने के जो ये नीचे वाली फोटो नहीं, इसको ऊपर लाना होगा। ठीक है, अभी ये देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा, तो आपको जो जो नीचे वाला लेयर है इसको ऊपर ले आना, तो इसको इस प्रकार से होल्ड करके रखना, ऊपर ले आना। अब आपको देखिएगा बहुत ही अच्छे से देखिएगा ये फोटो। ठीक है, अब यहाँ तक हम आपका कंप्यूटर के, उसके बाद आ गया ना, देखिएगा इस बीट मार्क पे आ जाना 10.27 सेकंड पे, और यहाँ पे आपको खाली जगह मिलेगी, बीट मार्क के हिसाब से फोटो एडिट करना गाइस। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बता दूंगा अभी, अब आपको आ जाना इस बीट मार्क पे 15.10 सेकंड पे आना है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा गाइस। ठीक है, अब आपको करना क्या गाइस, इस बीट मार्क पे आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से अपन को एक फोटो ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए यहाँ से मैं एक फोटो ऐड कर लेता हूँ कोई सी भी, तो देखिएगा इसे हमारे यहाँ पे ये वाली फोटो ऐड कर लेते, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे फोटो को फुल स्क्रीन करना, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगले बिट पार्ट पे जाना, पीछे का स्टेप आटा है उसको काटना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, कट जाए। अब गाइस इस फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा, तो इस फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और नीचे ये वाला लेयर है गाइस, यहाँ पे देखिए देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला लेयर, ये वाला वीडियो है गाइस। ठीक है, अब इस वीडियो के नीचे ले आना, तो अब आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, अब गाइस देखिए इस फोटो के अंदर भी आपको इफेक्ट लगाना, तो अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा, केवल ये एक वीडियो इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से अपन को बेकन इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद ना लास्ट वाली फोटो गाइस, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से अपन को बेक आ जाना, बेक आने के बाद बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको आ जाएगा इस बिट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस 15.10 सेकंड पे आना, और यहाँ पे ये वाली फोटो गाइस बैकग्राउंड के अंदर, फोटो पे क्लिक करना, उसके इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर दोगे, तो अभी इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा गाइस, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है गाइस, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ तक हम आपका कंप्यूटर का, उसके बाद अगले बिट मार्क पे आना, यहाँ से आपको फिर से खाली जगह मिलेगी, तो यहाँ पे बिट मार्क के हिसाब से फोटो एडिट करना। अब आपको आ जाना इस बिट मार्क पे 19.24 सेकंड पे, यहाँ पे भी देखिएगा कुछ लेयर मिलेंगे गाइस, तो यहाँ पे भी आपको जो बैकग्राउंड वाला लेयर, इसके अंदर फोटो एडिट करना, ऊपर वाले लेयर के अंदर भी फोटो एडिट करना, तो पहले ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से हम ये वाली फोटो रख लेते हैं, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो इसके अंदर आ गई। ठीक है, अब आपको बैकग्राउंड के अंदर फोटो लगाना, तो ये बैकग्राउंड वाला लेयर ही रहा, तो इस बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना, उसके बाद फोटो एडिट करना, इसके अंदर ये सेम यही फोटो, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो बैकग्राउंड के अंदर भी आ गई। सो क्योंकि यहाँ तक हम आपका कंप्यूटर को, अब आपको करने के कैसे, यहाँ पे देखिए ये 4 लेयर यहाँ पे ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो इनको ऑन करना होगा। अभी देखिए कैसे कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। अब तो आपको करने के कैसे, तो देखिए गाइस ये 4 लेयर ऑफ रहेंगे, इनको इस प्रकार से आपको ऑन कर देना। तो अभी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस अब आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक काम आपका कंप्यूटर का, उसके बाद अगले बिट मार्क पे आना, यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे हमने रंजीत गुज्जर लिख रखा है। ठीक है, अब इनमें आपको क्या करना, इनका फोन चेंज करना है, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है टेक्स्ट इनका दोनों का। ठीक है, फर्स्ट वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना, और उसके बाद ना डबल ए टेक्स्ट पे क्लिक करना, ऊपर जाना और ये वाला फोन रख लेना, लेमन बोल्ट वाला। इस फोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, डाउनलोड करके ऐड करके चेंज कर लेना, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद फिर से खाली जगह मिलेगी यहाँ पे आपको, खाली जगह बिटमार्क के हिसाब से फोटो ऐड करना एंड तक। अब आपको फोटो कैसे ऐड करना गाइस बिटमार्क के हिसाब से, वो तरीका बता दे दूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ पे 3.23 सेकंड पे आना। अब यहाँ से हम फोटो ऐड करने वाले एंड तक। ठीक है, अब आपको फोटो ऐड करना बिटमार्क के हिसाब से, यहाँ पे आ जाना 3.23 सेकंड पे। ठीक है, यहाँ से हम फोटो एड करने वाले बिट मार्क के हिसाब से एंड तक। ठीक है, फोटो एड करने के लिए यहाँ पे इस बिट मार्क पे आके प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से अपन को फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो, फोटो एड करने के लिए फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, फोटो को फुल स्क्रीन करना, तो 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन। अगले बिट मार्क पे जाना, पीछे के स्टेप हट काटना, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। तो इसी प्रकार से कैसे आपको एंड तक फोटो एड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे सभी फोटो एड करके फिर बता दूँ, नहीं तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो ओके गाइस, देखिए हम बिटमार्क के हिसाब से एंड तक फोटो ऐड कर लिए, आपको भी कुछ इस प्रकार से बिटमार्क के हिसाब से फोटो ऐड कर लेंगे। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है, तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है, ये वाली फोटो आ रही 3.23 सेकंड पे। ठीक है, ये वाली फोटो, अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से अपन को बेक आना, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो ये वाली। ठीक है,
ये वाले देखिए आगे चल के दिखाते हैं, ये वाले फोटो पे क्लिक करना, उसका इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपन को बैक आ जाए, बैक आने के बाद बिट मार्क प्रिज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको आ जाना इस बिट मार्क पे, तो यहाँ पे आ जाना आपको 3.23 सेकंड पे आना, यहाँ पे ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना टाइमिंग देख लो गाइस, 3.23 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट आपको यहाँ तक लगा देना, जो मैं बता देता हूँ आपको टाइमिंग यहाँ तक, ठीक है गाइस, 8.20 सेकंड तक, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही है सभी के अंदर ये वाले इफेक्ट आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे आना है, यहाँ पे आपने काम पहले कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आपको आ जाना इस बिट मार्क पे 10.27 सेकंड पे, यहाँ पे ये वाली फोटो आ रही है। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से अपन को बैक आना, इफेक्ट वाले फोटो को ओपन कर, ओपन करने के बाद सेकंड नंबर वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपन को बैक आ जाना, बैक आने के बाद बिट मार्क फोटो को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे आ जाना आपको, देखिए 10.27 सेकंड पे आना है, यहाँ पे ये वाली फोटो है गाइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना, उसका इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, ठीक है। जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है गाइस, ठीक है। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना टाइमिंग देख लो, 10.27 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट आपको यहाँ तक लगा देना, यहाँ तक 15.10 सेकंड तक, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे आना, यहाँ पे आपने काम पहले कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आपको आ जाना इस बिट मार्क पे 16.7 सेकंड पे, यहाँ पे ये वाली फोटो गाइस। आपको इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से अपन को बैक आना, बैक आने के बाद इफेक्ट वाले फोटो को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आपको चले जाना गाइस यहाँ पे तीन नंबर वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसका इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपन को बैक आना, बैक आने के बाद बिट मार्क वाले फोटो को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आपको आ जाना इस बिट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस, तो आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे 16.7 सेकंड पे आना, यहाँ पे ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसका इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। सो ओके गाइस इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग गया गाइस, लेकिन उसके बाद में नीचे जाना, एक इफेक्ट आपको यहाँ पे ऑफ रहेगा, तो इसको ऑन कर देना, ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब आपको करने के गाइस इसी फोटो पे फिर से क्लिक करना, और यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करना, और यहाँ पे इसको ऑन कर देना गाइस, ठीक है। ऑन करने के बाद इसका कलर गाइस वो व्हाइट रखना, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करके इसको व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ से फिर से बैक आना, और यहाँ पे चार है तो चार को बढ़ा के यहाँ पे 8 कर देना, ठीक है। 8 करने के बाद अभी आपको देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पे जो बॉर्डर देखने को मिल जाएगा गाइस फोटो के ऊपर, ठीक है। तो सो गाइस अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना है, तो फिर से आपको इस फोटो के अंदर से इफेक्ट को कॉपी करना, तो फिर से फोटो पे क्लिक करना, उसके इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, ठीक है गाइस। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना है यहाँ से देख लो गाइस, 16.7 सेकंड से लेके और यहाँ तक लगा देना गाइस ये इफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक 19.24 सेकंड तक, यहाँ तक सभी फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट लगा देना गाइस, ठीक है। और आपको करना क्या गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस सभी जितनी फोटो यहाँ से देखिए हमने इफेक्ट लगाया था ना गाइस, ठीक है गाइस। यहाँ से देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से 16.7 सेकंड से लेके और यहाँ तक हमने इफेक्ट लगाया था 19.24 सेकंड तक, ठीक है। इसके अंदर आपको सभी फोटो के अंदर आपको बॉर्डर ऑन करना होगा, बॉर्डर एंड शेडो ऑन करना होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कैसे ऑन करना, एक बार फिर से बता देता हूँ। फिर से फोटो पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करके यहाँ पे स्टॉक है गाइस, इसको ऑन कर दो केवल, ठीक है। और इसका जो कलर है इस कलर पे क्लिक करके इसका व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना, ओके। और जो गाइस इसकी साइज है अभी 4 है, तो इसको आपको 8 कर देनी है, ठीक है, डबल कर देनी है डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस जो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा फोटो पे, हर फोटो के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपने काम पहले ही कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पे भी काम आपने पहले ही कंप्लीट कर, अब आपको आ जाना इस बिट मार्क पे 23.6 सेकंड पे, यहाँ पे ये वाली फोटो गाइस। अभी इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से अपन को बैक आना, इफेक्ट वाले फोटो को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको चले जाना गाइस यहाँ पे 4 नंबर वाली फोटो पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपन को बैक आ जाना, बैक आने के बाद बिट मार्क वाले फोटो को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस, तो आपको आ जाना गाइस यहाँ पे इस बिट मार्क पे 23.6 सेकंड पे। यहाँ पे देखिए गाइस ये वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना, उसके इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इफेक्ट यहाँ पे ऑफ रहेगा गाइस, थोड़ा सा आगे चल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इफेक्ट ये ऑफ रहेगा, तो इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद देखिए गाइस इस फोटो के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। अब आपको फिर से इन इफेक्ट को कॉपी करना, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, तो यहाँ पे देखिए 23.6 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट आपको लास्ट फोटो तक लगा देना, 29 सेकंड तक, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको इस प्रकार से सभी फोटो के अंदर लगा देना गाइस, ठीक है। फाइनल गाइस आपका वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका गाइस, ठीक है। अब आपको करना क्या गाइस चुका गाइस, अब इसके अंदर अपना
एक छोटा सा लोगो लगा देना यहाँ पे, जो हमारी वीडियो में देखा होगा आपने। अगर आपको छोटा लोगो बनाना सीखना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वाली वीडियो को जाके देख लेना और यहाँ पे उस लोगो को लगा के क्या और उस लोगो वाले लेयर को एंड तक कर देना। एंड तक करने के बाद अब आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना आपको गैलरी के अंदर, तो इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना, वीडियो पर सिलेक्ट करना, उसका इस वाला आइकन पर क्लिक कर, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन गाइस वो सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपको क्लिक करना, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है इसको रख लेना। तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा है, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना क्वालिटी का, मैं तो क्वालिटी को इस प्रकार से फुल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना गाइस, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगा इसकी। और ये पूरी 100% एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।